ए गुड, क्या बोलूँ मैं, गुड मॉर्निंग मे बी गुड आफ्टरनून, आई डोंट नो मैन। अभी तो यहाँ पे गेम में रात हो रही है भाई, और मैं रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो गुड नाइट नहीं बोल सकते, गुड इवनिंग पीपल। कैसे हो सब लोग? वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एनिमल क्रॉसिंग। भाई मैं तो बता नहीं सकता भाई, आज मैंने डिसाइड किया रात को ऐसे ही नॉर्मली कि मैं खेलता हूँ। चलो यार ऐसी ठीक है, क्या बोलते हो, खेलते हैं, थोड़ा टाइम पास करना था वैसे ही मेरे को। तो मैंने भाई गेम खोला और मैं भाई चालू हो गया। ये भाई मेरी ज़िंदगी का अब तक का बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि भाई मेरे को जो जो मिला है भाई, तुम विश्वास नहीं करोगे। मेरे पास कुछ कुछ ही क्लिप्स हैं, पर कुछ कुछ की नहीं भी हैं, पर मेरे को भाई सॉफ्ट शेल भाई, तो थोड़ा टंग ट्विस्टर है, सॉफ्ट सी शेल टर्टल्स मिले थे भाई, और उसके बाद हार्ड सी शेल टर्टल भी मिले थे भाई। उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, 4,500 बेल्स होती है एक बंदे की प्राइस, जो कि बहुत ही सही है। तो मैंने काफ़ी सारे पकड़े थे। उसके बाद भाई मेरे को एक शार्क मिली थी, लेकिन लिटरल शार्क मैन। तो भाई मेरे को अब पता चल चुका है, अगर तुम शोर के पास एक्चुअली फिशिंग करते हो ना, तो तुम्हें ज़्यादा अच्छा सामान मिलता है। तो मुझे शार्क मिली थी भाई, मुझे पता है स्कॉर्पियन तक मिला था, पर मैं उसको पकड़ने जा रहा था तब उसने भाई मेरे को बाइट कर लिया, और मैं भाई उधर मर गया था, और मैं रिस्पॉन हो गया था। पहली डेथ थी भाई मेरी वो, सो दैट वॉज इंटरेस्टिंग। पता नहीं इसको कैसे पकड़ेंगे, हो सकता है गड्ढे वड्ढे बना के पकड़ सकें, विल सी अबाउट दैट। और मुझे क्या मिला था भाई, मैं ट्राई कर रहा हूँ सोचने का। अरे हाँ भाई, मुझे एक एटलस बटरफ्लाई वगैरह कुछ मिली थी भाई। यार वो दिखने में तो बहुत ज़्यादा लाइक खतरनाक लग रही थी, पर एक्चुअली वो भी काफ़ी ज़्यादा रुपए में बिची यार, और बहुत सुंदर भी थी, अगर ध्यान से देखो तो सुंदर थी भाई वो। सो या दैट इज़ बेसिकली वॉट आई हैव फाउंड राइट नाउ। और भाई घर को तो मैंने पूरा काया पलट कर दिया है, लाइक जो वॉल्स है ना घर की, उनको मैंने पूरा भाई बदल डाला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फायरवर्क्स वाला मेरे को एक थीम मिली थी, मैंने गाइस फिलहाल के लिए वो लगा दिया, मेरे को थोड़ा सा ऐसा कलरफुल टाइप का चाहिए था। और यहाँ पे एक टेबल लगाई थी मैंने, जहाँ पर रेडियो वीडियो रखा है अपना, एंड या दैट इज़ इट फॉर नाउ, अभी तो फिलहाल इतना ही। और हाँ भाई, वो फूल मैंने लगा रखा है, आई नो आई एम नॉट अ गर्ल, ओके आई एम नॉट अ गर्ल, इट्स जस्ट दैट आई लाइक इट। ओके लेट्स गेट स्टार्टेड बॉयज। ओके तो भाई हाँ, अंडशंड चीज़ें बेच के मुझे भाई काफ़ी अच्छे बेल्स मिल गए। मैंने जैसे कि बताया भाई, इतने सारे बेल्स मिल रहे थे। अरे भाई वो शार्क को बेच के बताए कितने बेल्स मिले, 8,000 बेल्स, 8,000 freaking bells मिले भाई हमें, तो वो बड़ी सही चीज़ है। यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर है ना, तो मैं बहुत सही वाले सॉफ्ट शेल टर्टल मिल जाएंगे। और यहाँ से भाई मेरे को याद आया, भाई मेरे को घोस्ट हंटर बुलाने पड़ेंगे भाई शायद से, क्योंकि भाई मेरे आइलैंड पे एक्चुअली घोस्ट आ चुका है। आइलैंड के उस साइड में भाई एक्चुअली वहाँ पे भूत है, और मैं भाई झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास फुटेज पड़ी है, मैं तो मैं दिखा रहा हूँ अभी, शायद तुम देखो भाई, वो सीधा सीधा भाई भूत है, और उससे ज़्यादा भाई क्या ही हो सकता है। सो या माय आइलैंड इज़ हॉन्टेड बॉयज, माय आइलैंड इज़ एक्चुअली हॉन्टेड भाई। मेरे को कुछ करना पड़ेगा इस बारे में, बट आई डोंट नो व्हाट टू डू यार, अभी तो मैं वहाँ पे जा भी नहीं सकता, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ भाई, लाइक रियली मैन, तो पता नहीं भाई छोड़ो। पर हमारे पास भाई हो चुके हैं 80,000 से, वैसे एक्चुअली ज़्यादा ही हो गए हैं, मेरे पास 80,000 से भी ज़्यादा बेल्स हो चुके हैं। सो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल पे माय लोन, ओके। तो मैं जाने वाला हूँ भाई ABD में, और मेरा 80,000 का लोन और बचा है, तो मैं लोन पेमेंट करूँगा। फ्रॉम पॉकेट कर देते हैं हम लोग 80,000 बेल्स की, 80,000 बेल्स पूरे उड़ा देते हैं भाई, एंड देयर वी गो। ओके होपफुली भाई ये ऐसे ही करना था भाई, ऐसे ही करना होगा। ओ ये देयर वी गो, येस आई फिनिश्ड पेइंग ऑफ माई होम लोन। चलो भाई होम लोन पे करके थोड़ा लाइक दिल को तसल्ली मिलती है भाई, यार मेरे को लाइक अच्छा लग रहा है भाई ऐसे करके। मजा आ गया भाई, मेरा पहला घर का मैंने पेमेंट कर दिया। नॉइज बॉयज, ओके नो मोर लोन पेमेंट्स। चलो हमें इससे अचीवमेंट मिल गया 1,000 भाई माइल्स, क्या बात करो। मेरे को एक्चुअली माइल्स भी काफ़ी मिल चुके हैं गाइस, 8,000 कुछ माइल हो गए अपने पास। और इससे अब भाई बात करते हैं बेटे, अब तो मैंने लोन पेमेंट कर दिया, अब तो कुछ दे दे मेरे को अच्छा सा। आई मस्ट ऑफर माई हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव पेड ऑफ योर लोन इन फुल, आई एक्सपेक्टेड नथिंग लेस ऑफ कोर्स, यस यस यस, पर कुछ है तेरे पास, बट वॉट इफ इट कुड गेट बिगर, ओके आई श्योर यू दैट आई इट कैन इनडीड बी बिगर, अ बिगर होम मीन्स मोर स्पेस फॉर फर्नीचर एंड मोर स्टोरेज। भाई प्लीज दे दे यार, क्योंकि अभी मैं भाई ट्राई करता हूँ नया फर्नीचर रखने का, भाई जगह ही नहीं है रखने की, कहाँ रखूँ भाई मैं। आई इंट्रोड्यूस सम पॉसिबिलिटीज, आई विल लीव इट टू दैट, सो प्लीज कम टू सी मी इफ यू लाइक टू हेयर मोर। हाँ भाई मैं जानना चाहता हूँ ये अपना घर अपन एक्सपैंड कैसे कर सकते हैं। ओके दैट वुड रिक्वायर टेकिंग अ लोन ऑफ 198 बेल्स, यार 198,000 बेल्स भाई, थोड़ा ज़्यादा नहीं हो जाएगा? लाइक मैं पे तो कर सकता हूँ धीरे धीरे भाई, वो मतलब इतना तो मेरे को छूट देते हैं कि एक काम करो भाई, तुम आराम से पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है 198,000 बेल्स, पर फिर भी थोड़ा ज़्यादा है भाई, ऑलमोस्ट लाइक 2,00,000 बेल्स यार। चलो यार ठीक है भाई, अब
थोड़ा बड़ा घर तो हमें चाहिए था वैसे भी, तो हम कर ही लेते हैं। मेक श्योर कंस्ट्रक्शन बिगिंस सून। ओके, अरे न्यू कलर फॉर माई रूफ। अच्छा अच्छा हाँ भाई, 8 कलर ऑप्शंस हैं, बताओ भाई। वैसे भी एक्चुअली मेरे को रूफ कलर चेंज करना ही था, डिफरेंट कलर प्लीज़। मेरे को भाई एक्वा चाहिए इस बार, या जो भी था मतलब वो कलर, मैं देखता हूँ ज़रा। या आई विल गो फॉर एक्वा दिस टाइम। ब्लू थोड़ा ज़्यादा ही डार्क ब्लू हो रहा है भाई, तो मेरे को नहीं चाहिए वो। ओके, तो कल तक कंस्ट्रक्शन खत्म होने की बात कर रहे थे गाइस, हमें फिर से एक रियल लाइफ डे हमें रुकना पड़ेगा, पर हम लोग भाई इतना ज़्यादा नहीं रुकेंगे। हम लोग थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि भाई मेरे पास इतने ज़्यादा लाइक अगर नूक माइल्स पड़े हैं, इफ़ पॉसिबल लाइक अगर रात को प्लेन चलता हो तो भाई मैं दूसरे आइलैंड पर ज़रूर जाना चाहूँगा। वो क्या चल रहा है तेरा? वैसे मैंने बाहर एक ये भी लगाया था बर्ड हाउस, पता नहीं सर बर्ड अभी आई नहीं है, पर अच्छा लग रहा है। और मैंने एक ये लगाया था भाई, कोई प्लांट है मेरे को लग रहा है, इससे भाई पेड़ बन जाएगा बड़ा सा, उससे भाई हमें फल फूल मिलेंगे। होपफुली भाई कोई अच्छा सा पेड़ निकले। तो पिछले एपिसोड में भाई हम लोगों ने एक्चुअली दो आइलैंड्स देखे थे, और दोनों आइलैंड्स जो थे ना वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा सिमिलर थे। तो काश भाई तुम सब लोग भी प्रे करो, मैं भी प्रे कर रहा हूँ भाई कि एक तो आइलैंड ऐसा आए भाई जो कि डिफरेंट हो यार। इतने सेम आइलैंड आ रहे हैं ना भाई, मेरा भी दिमाग ख़राब हो रहा है। मतलब इतने क्या भाई, दो ही तो देखे हैं अभी तक हम लोगों ने, पर फिर भी भाई यार लाइक दो के दो सेम आइलैंड यार, हद होती है। ओके सो आई विल, ओ वैसे हाँ यार मेरे को भी याद आया भाई, यहाँ पर एक ये चीज़ ज़रूर थी, प्रिटी गुड टूल्स रेसिपी। तो यार ये मैं ख़रीद लूँ क्या? अगर मैंने ये ख़रीदा तो 5000 माइल्स मेरे और बचेंगे भाई। इसमें हेयर स्टाइल्स वगैरह के भी, मेरे को भाई अपनी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी लगती है, अभी मेरे को नहीं चाहिए। पॉकेट ऑर्गेनाइजेशन गाइड, इसकी ज़रूरत नहीं है। टूल रिंग इट्स एसेंशियल। टूल रिंग ये क्या होता है पता नहीं भाई, मेरे को ये खरीदने का काफ़ी मन था बहुत पहले से। इसमें काफ़ी सारे हमें मेरे को लग रहा है टूल्स रेसिपी मिल जाएंगी, तो मैं इसको भाई रिडीम करने वाला हूँ। ओके थैंक यू, आई कैन मेक स्ट्रॉन्गर टूल्स एट वोंट बेक सो इजीली। अरे यार यही तो चाहिए था भाई, यही तो चाहिए था, क्या बात करो भाई। तो मेरे को लग रहा है हम लोगों ने भाई अपग्रेड कर लिया, अब हम लोग स्टोन वोन के टूल्स बना सकते हैं। फ्लिम्सी एक्स, ओ नाइस, इट लुक सो गुड। ओके, नेट, फिशिंग रॉड, शवल, एक्स और स्टोन एक्स, भाई दे आर नॉट फ्लिम्सी एनी मोर मैन, दे आर नॉट फ्लिम्सी एनी मोर, वी कैन एक्चुअली मेक गुड वंस। तो यहाँ पर ओके, फ्लिम्सी शवल से ये बनता है। ओके ओके, तो भाई पहले मैं नॉर्मल वाला बनाना चाहूँगा आई गेस। इसके लिए भाई हमें ब्रांचेस ये होती है, मैं भाई ये सब बनाता हूँ भाई। ओके, आई हैव टू मेक ऑल ऑफ दीज। ओके लेट्स डू दैट, देन वी विल गो टू अनदर आइलैंड। भाई वो देखो वो रहा भूत, भाई ये चाहता क्या है भाई मेरे से यार, समझ में नहीं आ रही भाई। देखो तुम लोग को दिख रहा है पीछे भूत, भाई वो बंदा भाई आता रहता है बार बार, पता नहीं क्यों भाई। ए भूत निकल रहे हैं यहाँ से। अरे भाई मेरी पॉकेट फुली रहती है भाई, हमेशा ड्रॉप करो इसको। ओ माय गॉड, ओ भाई तुम इस वाली एक्स से पूरा का पूरा पेड़ गिरा सकते हो भाई। अबे यार अबे ऐसा ना हो कि ये पेड़ ऐसे ही रह जाए भाई। नहीं भाई ये तो बड़ा गलत सीन हो जाएगा यार। एक्चुअली मैं इसको ओ नाइस एक्चुअली, व्हाट यू कैन एक्चुअली सिट ऑन दैट, अच्छी बात है भाई। पर अगर सारे के सारे पेड़ ऐसा हो जाएंगे तो गलत हो जाएगा ना फिर ब्रो। ओके, ये पेड़ भी ऐसे चॉप ऑफ कर सकते हैं यार, ये तो गलत हो जाएगा भाई, ऐसे डिफॉरेस्टेशन होगी गंदी वाली भाई। व्हाट, एक ही कीड़ा आके बैठा है भाई कोई तो। नेट मेरे पास है, ओके अच्छी वाली नेट है बल्कि मेरे पास। तो अब देखते हैं जरा कौन सा कीड़ा भाई, इसको मैं देख रखा है क्या पहले, शायद देख रखो भाई। आज मैंने बहुत ज़्यादा ही कीड़े पकड़े, मेरे को एक्चुअली खुद नहीं पता कि मैंने क्या क्या पकड़ा है। नो आई हैव नॉट कॉट दिस एवर मैन, लॉन्ग हॉर्न बीटल। ओके वेल दैट लुक्स गुड। ओके मैंने सारा सामान काम वाला तो ले लिया है, फिशिंग रॉड चाहिए थी, एक्स चाहिए थी, शवल और अपना नेट। उसके अलावा तो भाई ज़्यादा कुछ हमें चाहिए नहीं, वहाँ पर जाके जो मिलना होगा वो मिल जाएगा। अभी हम लोग भाई ख़रीदते हैं टिकट। ओके अभी तो एक्चुअली मेरे को पता भी नहीं है कि तुम रात को जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो, बट स्टिल आई विल ट्राई, क्योंकि अगर रात को जा सकते हैं तो भाई रात को बहुत ही सही सामान मिलता है। ओके लेट्स रिडीम दिस। ओके भाई ज़रा देखते हैं डोडो एयरलाइंस में अगर हमें ये लोग जाने का मौका दें अभी तो। आई जस्ट होप सो मैन, लाइक रात हो रही है तो क्या पता वो बोले कि नहीं हमारा पायलट नहीं उड़ा पाएगा। हम लोग एक्चुअली यूज़ कर सकते हैं अपने टिकट। ओके लेट्स गो देन। ओके डोकी भाई हमने कर लिया है सेट सेल, देखते हैं ज़रा इस बार कहाँ पे पहुँचते हैं हम लोग। होपफुली भाई एक खतरनाक सा आइलैंड हो, खतरनाक सा। ओ ये तो बहुत छोटा लग रहा है भाई, भाई ये मत बोलना ये भाई इतना सा ही आइलैंड है भाई, उत्तू सा। ओ नहीं 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 है भाई, बड़ा है बड़ा है। ओके ओ दिस आइलैंड लुक्स प्रीटी कूल एक्चुअली। ओके यहाँ पर कुछ शवल करने के लिए है, देखते हैं ज़रा, फॉसिल ही निकलेगा ज़्यादातर तो, पर फिर भी भाई क्या फ़र्क पड़ता है।
ओह यस फॉसिल। और कुछ है यहाँ पर जो हमें मजेदार सा लगी? एक्चुअली इस वाले आइलैंड का कम से कम स्ट्रक्चर जो है ना वो बहुत ज़्यादा अलग है बाकी वाले आइलैंड से। इधर मैं पर नहीं जा सकता हूँ। ओके यहाँ पर फिश कौन से टाइप की मिल रही है? ज़रा इस फिश को पकड़ के देखता हूँ मैं, होपफुली कुछ अलग हो भाई। ओके हेयर कम्स द फिशी एंड भाई कुछ नया प्लीज़ कुछ नया। ओह ये तो मैंने पकड़ रखा है, ये तो सैल्मन, हाँ सैल्मन है भाई ये। ओके किंग सैल्मन भी कभी कभी वैसे आती है यार। मैं एक्चुअली ये फ्लावर्स ले लेता हूँ, मेरे को अपने घर के सामने लगाने थे और मैं पिछली बार बस भाई फूल तोड़ के ले गया था, वो बाल पे लगा सकते हो तुम बस। इस बार भाई क्या एक्चुअली क्या है, इसको खुदाई करनी पड़ती है तो ही तुम ले पाओगे। वो अलग बात है कि भाई मैं पूरा आइलैंड डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ, पर ठीक है जो भी है। ये भी पेड़ ले लेता हूँ, पता है तुम पेड़ भी उखाड़ सकते हो, देखो ये भी बड़ी सही चीज़ है, पूरा का पूरा पेड़ उखाड़ सकते हैं हम लोग। ए वेट, ये वाला पेड़ हमारे पास है क्या? भाई हमारे पास नहीं है ये वाला पेड़। ओके लेट्स टेक दिस वन टू देन। ओके वहाँ पर ओ माय गॉड कितना प्यारा सा कैरेक्टर है भाई यार, उसके पास तो भाई पहुँचना है मेरे को यार। यार ये भी ज़रा खोद लेते हैं, अगर इसमें से हमें वो मिल जाए ना क्या बोलते हैं मेटल इनगेट, तो भाई हमारे एक्चुअली काफ़ी काम आ सकता है ये। ओ यस मिला नाइस। और तो कुछ नहीं निकलेगा इसमें से, फाइन देन बॉडी बॉय। ए ओ जा सकते हो तुम यहाँ पर, लॉल भाई मेरे को रास्ता पता ही नहीं चल रहा था अचानक कैसे है। इसको भाई मैं अपने आइलैंड में बुला सकता हूँ क्या? आई एम एनी कॉटी, वेलकम टू हाइपरटास्टिक आइलैंड। ओके इट्स नॉट माई आइलैंड बट इट विल बी, आई वॉन्ट टू बी अ पॉप स्टार एंड ऑल पॉप स्टार्स ओन आइलैंड। अच्छा ये कौन सा लॉजिक हुआ भाई, ये कौन सा लॉजिक हुआ? वॉन्ट टू लिव ऑन माई आइलैंड गर्ल, मूव टू टोनी टोनी। OMG, yes, I could move to my old island, but this is way better since you'll be there. तो भाई ये लोग हमेशा यही बोलते हैं कि मेरे को टूम डॉमनोक से बात करनी है ना बस। I cannot wait to have a chick Tony Tony zip code, lol. पर भाई इनको इनवाइट कैसे करूँ मैं? लाइक पिछले वाले बंदे ने भी यही बोला था पर फिर वो आया नहीं यार, टॉमनोक से बात ही नहीं कर पाए वो, पता नहीं कैसे कैसे करते हैं भाई ये। लगता है अभी कुछ ऐसा है जो हम लोग ने भाई अभी किया नहीं है, तुम लोगों को करना पड़ेगा शायद, उसके बाद भाई हो जाना चाहिए। वील सी वील वेट यार, कोई बात नहीं है। ओके आई गेस हमने काफ़ी देख लिया भाई साइलेंट को, ठीक ठाक मेरे को भाई सामान मिल गया यहाँ पे और एक बढ़िया सा भाई हमने बंदे को इनवाइट भी कर लिया है। सो या आई थिंक वी आर रेडी टू गो होम नाउ। मेरे को एक नया पेड़ मिला था ना, उसको मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर कहीं पर लगा दूँ भाई, थोड़े यहाँ पर पेड़ होंगे तो अच्छा लगेगा। भाई कोकोनट ट्री वैसे मेरे को मिल गया था एंड में। ओके सो या वी हैव गॉट अ कोकोनट ट्री टू। ओ यस भाई ये वाला पेड़ मेरे आइलैंड पर कहीं भी नहीं था, चलो अच्छी बात है भाई हमें मिल गया। ओके तो मैं एक कोकोनट ट्री भाई यहाँ पर लगा लेता हूँ जस्ट बिकॉज हमें कोकोनट्स चाहिए। यस भाई हमें थोड़े कोकोनट्स मिल जाएंगे उससे, सो लेट मी प्लांट इट राइट हियर। नॉइस। और भाई हम लोग जाने वाले हैं एक और ट्रिप पे, मैंने एक और भाई नूक माइस का पास ले लिया है क्योंकि एक तो भाई मेरे को एक्चुअली जो मेटल इनगट्स है ना वो भी चाहिए, ऊपर से भाई दूसरा आइलैंड भी हम लोग देख लेंगे। तो भाई मेरे यहाँ पर एक्चुअली आइलैंड पर सारे पत्थर जो है ना वो ख़त्म हो चुके हैं, तो मेरे को भाई थोड़ा बाहर जाके देखना है। आई वांट टू फ्लाई बडी। ओके दिस इज द फोर्थ आइलैंड दैट वी आर गोना एक्सप्लोर। चलो देखते हैं इस वाले पे हमें क्या मिलता है। एक ऑफकोर्स भाई एक वो तो विलेजर तो होगा ही भाई, इतना तो मेरे को भी समझ में आ रहा है। अभी तक जितने भी हम लोगों ने देखे हैं विलेजर ज़रूर होते हैं, तो ओके वहाँ पर मेरे को कुछ वेट ओ माय गॉड ये कैसा विलेजर है भाई, स्नोमैन है क्या ये? व्हाट वेट अ लिटिल सेकेंड इज ही अ स्नोमैन? ओ नहीं पेंगुइन है भाई, बहुत बड़ा पेंगुइन है। अरोरा नाम का है, अरोरा नाम है इसका। लेट्स सी अगर इसको हम लोग इनवाइट कर सकते हैं, ये काफ़ी क्यूट लग रहा है भाई। वो जो ब्लू वाला पेंगुइन है ना उसके शायद साइज से लाइक अच्छी भाई घुले मिले इसकी। देर से बात नहीं करनी थी मेरे को, ये करना था। इसमें से क्यों नहीं निकल रहा है मेटल इनगट? मुझे एक्चुअली मेटल इनगट चाहिए वॉइस, मेटल इनगट दे दो। ओ यस देर वी गो, आखिरकार वो ये कुछ बड़ा है, ये कुछ बहुत बड़ा है। ओ माई गॉड ये तो पिछले वाले से भी बड़ा है भाई। वॉट थार सी आई गॉट अ व्हेल शार्क। ओ माई गॉड ब्रो आई एम टेलिंग यू दिस इज बिग भाई साहब, मेरी इन्वेंटरी में फिट भी कैसे हो रहा है भाई ये। भाई मेरा पूरा कंट्रोलर ऐसे हिल रहा था ना भाई कि मतलब मेरे हाथ भाई नम हो रहे थे यार। ओ भाई गॉड यार हम लोग ने भाई अब तक का सबसे बड़ा कैच भाई पकड़ लिया भाई। मेरे को लग रहा है इससे बड़ा क्या हो सकता है भाई यार। लाइक उसको पकड़ने में इतनी दिक्कत आ रही थी यार।
ओके मैन, लाइक माई मिशन ऑन दिस आइलैंड इज अकम्प्लिश्ड भाई, मेरे को और ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, पर फिर भी मैं थोड़ा सा घूमूंगा भाई यहाँ पे. ओह व्हाट, व्हाट इज दिस, ये मेरा पहला कैच है भाई इस चीज का, ज़ेब्रा टर्की फिश. ओके बट आई कांट कैरी एनीथिंग एल्स भाई, इसको मैं जरूर रखना चाहूंगा भाई. ये तो मेरे को अलग ही मछली मिली है भाई. ओके क्या फेंकूं भाई, स्टोन फेंको भाई, स्टोन क्यों पड़ा अपनी इन्वेंटरी में. आज तो भाई मछलियों की तो लाइन लग गई भाई, अच्छी अच्छी मछलियों की यार. मैं तो ये देखना चाहता हूँ वो वेल भी जो मैंने पकड़ी है ना भाई, वो कितने की बिचेगी भाई. वो बहुत ज़्यादा की बिचने वाली भाई प्रॉबेबली. ओ टायर निकाला मैंने, ये क्या भाई टायर कैसे निकाल भाई, क्या मतलब. ओल्ड टायर को टू बी रीपर्पस्ड. ओके डीआईवाई रेसिपी लगी भाई, इसको याद आई. ओके बॉयज वी हैव हैड सम प्रीटी गुड कैचेस. अब मेरे को लगता है भाई इतना ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, लेट अस एक्चुअली जस्ट गो बैक होम और ये चीज़ें बेच के देखते हैं भाई. वो मैं खास करके जानना चाहता हूँ वो व्हील को बेचने में कितने पैसे मिलेंगे. अगर 10,000 बेल्स नहीं मिले तो भाई मैं बहुत ज़्यादा निराश होऊंगा, क्योंकि जो नॉर्मल टाइगर फिश नहीं, क्या टाइगर शार्क बोलते थे उसको, क्या बोलते थे पता नहीं, वो भाई एक्चुअली 8,000 की बेची थी. तो फिर आई एम जस्ट होपिंग कि भाई 8,000 से ज़्यादा की बेची, 10,000 की तो बचे भाई कम से कम. ओके लेट अस सी बॉयज, व्हील शार्क, या लेट सी भाई कितने का बिच रहा है ये. लाइक बहुत सही कैच था भाई, मेरे को लग रहा है अभी तक का बेस्ट कैच होगा. 13,000 बेल्स भाई, सोचो क्या बात है भाई, 13,000 बेल्स इन एन इंस्टेंट मैन. अगर लक अच्छा हो तो भाई क्या क्या नहीं हो सकता. और मेरे को एक और मशीन भाई, मेरे को एक्चुअली काफ़ी मशीनें मिली थी, वो मैं ज़रा देखता हूँ. तो एक भाई मेरे को ये भी तो मिला था, ज़ेब्रा टर्की मिली थी. मैं भाई सोच रहा हूँ एक साथ भाई क्या ही, लाइक एक एक करके क्या प्राइस देखनी वैसे, पर चलो इस वाले की और देख लेते हैं बस, क्योंकि मेरे को जानना है भाई ज़ेब्रा टर्की के कितने पैसे मिलते हैं. 500 बेल्स बस यार, लगती तो बड़ी सही है फिश यार वो वाली, बहुत सही फिश लगती है भाई. चलो कोई बात नहीं, हम लोग अब इसको एक साथ बेच देते हैं सारे के सारे, देखते हैं हमारे पास कितने पैसे होते हैं. ओके ओल्ड टायर की तो कुछ रेसिपी मिली थी, ये नहीं बेच रहे, ये बेचते हैं और रोज बेचते हैं. चलो देखते हैं भाई, 10,000 तक तो हो जाने चाहिए क्या, ये 6,000 तक रह जाएगा भाई शायद से. 6,000 मेरे को पता चल चुका है भाई, इस गेम का मेरे को पता चल चुका है इसका दिमाग कैसे चलता है भाई कैलकुलेशंस में, आई नो इट नाउ. ओके वो टायर वाली रेसिपी कहाँ है. ओके ये टायर टॉय भाई, इसे तो टॉय कैसे बनाएगा यार, पर चल ठीक है क्राफ्ट कर लेते हैं भाई. टायर का क्या ही करेंगे, बेच सकते हैं, पर बेचने से भाई भाई लाइक 100-200 बेल इतनी दे देगा भाई, इससे अच्छा तो भाई टायर टॉय ही ले लो. ओ ब्रो इसको एक्चुअली तुम बाहर लगा सकते हो. ओके ओके देन ब्रो, इस पर मैं कुछ बैठ बैठ सकता हूँ क्या. ओके आई डोंट, ओ यस यू कैन, नो इट लुक्स गुड. ओके वेल दिस इज गुड, हमारे पास थोड़े टॉयज वॉइज आ रहे हैं मस्त वाले, फाइन देन. ओके बॉयज थोड़ा सा काम ज़्यादा करना पड़ा, फिर अगले दिन भाई पत्थर वत्थर रिस्टोर हो गए भाई हमारे आइलैंड पे, और मैंने कलेक्ट कर लिए ओर्स. ओ यहाँ पे एक कैसे छोड़ दिया मैंने, ऐसी कैसी भाई ओर्स नहीं छोड़ेंगे हम. और जहाँ तक मेरे को भाई, ओ यहाँ ओके मेरी इन्वेंट्री फुल हो गई एक्चुअली. चलो ठीक है, मैंने 30 आयरन नगेट्स तो भाई कलेक्ट कर ही लिए हैं. तो हम लोग जाते हैं भाई टिमी को देते हैं उसके रिसोर्सेज, बहुत टाइम से भाई बंदा वेट कर रहा है कि शॉप हम कब बनवाएंगे उसकी, और आज मैंने प्रॉमिस भी यहाँ तक बनवाएंगे. सो या टिमी बॉय वन गेट योर शॉप मेड बाय द वे, अबाउट बिल्डिंग अ शॉप बॉय, मैं तेरे सामान लेके आ गया हूँ, ले ले भाई मेरे से अब ये बोझ उतार मेरे मन से यार. मैं क्यों ही अग्री करा भाई इसकी शॉप बनाने के लिए, पर ओके मज़ा भी आया भाई इसके सामान कलेक्ट करने में, एक्चुअली काफ़ी मज़ा आया. तो 30 आयरन नगेट है वो हम तुम्हें दे देते हैं, लो सर जी मजे करो. ये हो गया भाई हमारे तरफ से भाई काम हो चुका है ख़त्म, अब हमें भाई कुछ नहीं करना, अब ये जो इनको बनाना है यही बनाएंगे. वी नीड टू स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन ऑन द शॉप, वी वॉन्ट यू टू हैव द ऑनर. वॉट ऑनर यू आस्क, वीड लाइक यू अ की फिगर इन मेकिंग दिस हैपन टू पिक आउट द परफेक्ट लोकेशन फॉर द न्यू शॉप. और ये क्या बात है, ओके थैंक यू बॉय. शॉप कंस्ट्रक्शन किट भाई हमें डालनी कहीं पर भाई, पहले मैंने पता है टेंट्स ऐसे ही बिना सोचे समझे भाई डाल दिए थे, इस बार मैं ऐसा नहीं करूँगा यार, इस बार मैं थोड़ा सोच समझ के डालूंगा कि मुझे कहाँ अपनी शॉप बनवानी है. सो या लेट मी एक्चुअली जस्ट सी, तो यार वैसे आइलैंड काफ़ी खाली खाली सा है, तो आई एक्चुअली जस्ट डोंट नो मैन कहाँ पर बनवाऊँ मैं, बट कैन आई एक्चुअली डू इट ऑन हियर. ओ मैं एक्चुअली कर सकता हूँ वहाँ पर, एवरी वन गैदर्स इन दिस प्लाजा सो यू
शुड चूज अ डिफरेंट प्लेस। ओके, तो बोल रहे हैं कि तुम प्लेस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर एक्चुअली इस प्लाजा में काफ़ी सारे लोग गैदर अप होते हैं, तो फिर तुम्हें कोई और प्लेस चूज़ करनी चाहिए। ओके देन, इफ दैट इज़ द केस, मे बी मैं इस एरिया को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ और उसके बाद मेरे को लगता है थोड़ा सही लगेगी ये जगह। आई थिंक दिस प्लेस लुक्स प्रिटी गुड यार। इसके घर के पीछे वाली जगह जो है ये मुझे काफ़ी सही लग रही है इस शॉप के लिए, सो आई एम गना बिल्ड अ शॉप हियर। थोड़ा सा और पीछे की साइड, थोड़ा सा और इधर रख देते हैं, एक सेकेंड, थोड़ा सा और इधर। हाँ, मेरे को लग रहा है मेरे को पेड़ काटना पड़ेगा भाई। नहीं यार चलो सही है, मेरे को ये सही लग रहा है। लेट्स इमेजिन इट, देखते हैं जरा कैसे लगी शॉप यहाँ पे। ओके, नॉट टू शैबी एट ऑल मैन, इट इज़ अ गुड स्पॉट, आई लाइक द स्पॉट। नूक्स क्रैनी करके कोई शॉप है वो खुल रही है। ओह देयर वी गो, जी जीज, आई बेट दिस आइलैंड इज अबाउट टू बिकम अ होल लॉट लाइवलियर। यस इट इज। हाउ आर यू एंजॉइंग दिस आइलैंड लाइफ? आई एम एंजॉइंग इट वेरी मच बॉय, खासकर कि जब से मेरा घर बड़ा हुआ है। वैसे मेरा घर भाई बड़ा हो चुका है, मैंने देख लिया है, तुम लोगों को भी मैं दिखा देता हूँ। तो मेरे को लगा एक नया रूम ऐड हो जाएगा, पर एक्चुअली एक नया रूम ऐड नहीं हुआ है, पर उन्होंने जो किया ना भाई घर के साथ मजा आ गया। तो भाई एक तो ये रूफ इन्होंने लगा दी है, और हमारे घर में भाई ये सब भी लाइक फ्लावर व्लावर अच्छे लग रहे हैं। तो मैं अंदर जाता हूँ, तुम लोग को दिखाता हूँ मैं। ये देखो भाई कितना बड़ा हो गया। पहले ये तुम्हें याद होगा ये बेड पूरा सटा हुआ रहता था दीवार से, पर अब थोड़ा वाइड कर दिया इन्होंने इस घर को, सो दैट इज़ गुड। ऑल्सो आई थिंक दिस इज इट फॉर दिस एपिसोड बॉयज। अगले एपिसोड में भाई हम लोग देखेंगे क्या कर सकते हैं। अभी तो उसकी शॉप बनी है, कल तक उसकी शॉप बन जानी चाहिए, तो कल हम लोग वापस आके देखेंगे कि उसकी शॉप में क्या कर सकते हैं। पर भाई आज तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा मजा आया, मैंने इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ी ना। मेरे को एक्चुअली देखना पड़ेगा, वो जो शार्क वाली व्हेल पकड़ी थी ना मैंने, वो सबसे बड़ी मछली है किस गेम में? आई थिंक इट इज़ मैन, इससे बड़ी क्या ही हो सकती है भाई, हमने अपने नन्हे हाथों में पकड़ लिया, वही बहुत बड़ी बात है। बट या गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड, आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। अगर मजा आया तो भाई लाइक ठोक देना, एंड या बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम एंड पीस आउट।